आज आपने मुझे बहुत बड़ी सीरियसली खुशी दे दी है। आई थिंक कल देनी थी मतलब, लेकिन व्लॉग तो मैं आज शूट कर रही हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई एम सो हैप्पी। लेकिन यार सीरियसली यूट्यूब बहुत अच्छी चीज है, सीरियसली बोल रही हूँ, क्योंकि एक अनजान मतलब जिनको तुम जानते भी नहीं हो वो लोग तुम्हें सपोर्ट करके एक ऐसी पोजीशन दे देते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती है। थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार देने को, थैंक यू सो मच सीरियसली। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों? स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर, SD निशा शर्मा। दोस्तों आज हम एक व्लॉग शूट करने वाले हैं और इस व्लॉग में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो नाउ फ्रेंड्स, आई एम रेडी एंड आई एम गोइंग टू फेयर एंड आपको दिखाऊंगी कि मैं वहाँ क्या क्या करती हूँ। ओके, तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। सो सॉरी फ्रेंड्स, बिकॉज मैं ना इसकी तैयार होने की वीडियो अपनी बना नहीं पाई थी, इसलिए सॉरी, बट आगे की वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। इट्स मी एंड बिल्कुल यहाँ पे आप सब देख सकते हैं पूरी हरी हरी घास है। तो दोस्तों वैसे मुझे इस मेले का नाम पता नहीं था, देन जब मैं यहाँ पे आई उसके बाद मुझे पता चला कि इस मेले का नाम सरस मेला है। सो स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। सो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज है, आई डोंट नो क्या नेम है, कट फ्लावर एंड पॉटेड फ्लावर पुष्प प्रदर्शनी उद्यान। ओके थैंक यू सो मच। एंड अंकल जी गमले होंगे, गमले में तो होगा ना सब। सो दोस्तों मेला बहुत ज्यादा बड़ा है एंड मैं लाइन टू लाइन हर एक चीज दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा। कम इन। सो फ्रेंड्स, सेकंड जो शॉप मुझे मिली है यहाँ पे है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं है, बट यहाँ पे एक भैया है, मैं उनसे आपको पूछ के बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। हमारे पास अनारदाना, हिंग पेड़ा, फ्लैक्स सीड। देन फ्रेंड्स सेकंड थिंग्स यहाँ पे क्या है कि मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हमें मिलेंगी। इट मीन्स फर्स्ट वाला जो स्टेप, मैंने जो फर्स्ट वाली जो शॉप देखी थी वहाँ पे क्या था, आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि हम बहुत सारी नेचुरल चीज़ों का अपने स्किन पे यूज़ करते हैं। आई होप कि ये जो सारी मेडिसिन होंगी वो सारी डिपेंड होंगी नेचुरल चीज़ों पर। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानना। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मुझे मिला भी। यहाँ पे क्या है कि ये जितनी भी मेडिसिन हमें मिल रही हैं वो सब क्या है, नेचुरल चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। अब थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको भैया से दिलवाती हूँ। जैसे ये दवा बनाई गई है, ये आयुर्वेदिक के ऊपर बनाया गया है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इसको बनाया जाता है। इसमें जो है जंगल से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लाई जाती है और देखिए क्या है, अपने हिंदुस्तान से क्या है, जड़ी बूटियां धीरे धीरे अलुप्त हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। तो जो जड़ी बूटियां अलुप्त हो रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से जड़ी मेडिसिन होती है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं, जिनका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे एक चीज पता चल गई है, इन लोगों ने इनका जो प्रोडक्ट्स है सारे वो हर्बल के हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि इन लोगों ने अपने छोटे छोटे बॉक्स भी बनाए हुए। इट मीन्स दैट आप छोटा प्रोडक्ट लो, अगर आपको वो बेनिफिशियल लगता है तो आप यहाँ पर आकर उस प्रोडक्ट को बड़ी क्वांटिटी में ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड चीज। दोस्तों एक मुझे बहुत ही अमेजिंग चीज मिली हुई है इस सरस मेले में, वो क्या है, यहाँ पे टोटली प्रोडक्ट है एक जगह पे जो है चंदन के ऊपर। चंदन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अवर स्किन, सो यहाँ से तुम चंदन बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। आई थिंक क्या पता मुझे भी कोई अच्छा सा प्रोडक्ट मिल जाए। करता है और जो एलोपैथ होता है वो तुरंत काम करता है। अच्छा, मतलब हमें फिर भी लिमिट है कितने दिन तक हमें यूज करना होगा तो हमें इफेक्ट दिखने लग जाएगा। आयुर्वेद क्या होता है, 35 से 40 दिन का कोर्स करना पड़ता है। अगर आप 35 से 40 दिन अगर आप लगा लेते हैं तो दोबारा लगाने का आपको जरूरत नहीं पड़ता है, लंबे समय तक लाभ। और एलोपैथ क्या होता है, आपने एक ट्यूब लगा लिया उसके बाद फिर लगाना। इसके बाद मुझे एक चीज और मिली हुई है। देखो आजकल के टाइम पे हमारे बॉडी में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट उनका कोई नेचुरल सॉल्यूशन हमें बहुत धीरे धीरे करके मिलता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। फर्स्ट क्या है, लेडीज के लिए, गर्ल्स कितनी सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करती है डेली के डेली। एंड सेकेंड थिंग क्या है, बच्चों का जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो आई थिंक उसके लिए भी इनके पास मेडिसिन है। एंड हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उनके लिए भी इनके पास मेडिसिन है। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मैं इनसे दे, आई थिंक ये वर्क करेगा क्योंकि ये चीज नेचुरल है। मैं कंफर्म श्योर नहीं हूँ, बट आप नेचुरल चीजों को यूज करते होंगे तो आपको पता होगा। ब्यूटीफुल प्लेस इज हियर बट आई कांट टेक दिस बिकॉज यहाँ पे इतने सारे इयररिंग्स है, इतने सारे इयररिंग्स है, आई एम टोटली मैड यार। इनको देख के तो मुझे सीरियसली मन कर रहा है मैं सारे ही ले लूँ, बट मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा स्टॉक रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टर रखे हुए हैं, बट मैं इन्हें ले तो नहीं सकती
लेकिन इन पे चढ़ के मैं फोटो जरूर क्लिक करने वाली हूँ। आप भी थोड़ी सी हिंट यानी कि थोड़ी सी झलक देख सकते हो। ओके, ये हैं भैया सेल्स में हैं, तो हमें इसकी ट्रक की थोड़ी सी हमें नॉलेज बता सकते हैं, ट्रैक्टर की थोड़ी सी नॉलेज बता सकते हैं। सो सॉरी। ये जो ट्रैक्टर है हमारा 575 XP प्लस है। अच्छा। तो XP का मतलब है एक्स्ट्रा पावर और प्लस का मतलब है कि इसमें प्लस किया गया है। अच्छा। तो इसमें इंजन वाइज जो किया गया है, इंजन की हॉर्स पावर प्लस की गई है। अच्छा। यानी बढ़ाई गई है। सो फ्रेंड्स, अभी तो सिर्फ आधी चीज देखी है और कुछ चीजें मैंने लीव भी कर दी है। अभी सिर्फ हाफ पोर्शन कम्प्लीट हुआ है हमारा। अब मुझे स्टार्ट करना है, इस तरफ का हमने पूरा देख लिया है, अब स्टार्ट करना है ये पूरा चीज देखने है कि यहाँ पे क्या क्या है। आई थिंक मेरे बहुत ज्यादा पैसे लुटने वाले हैं, सीरियसली बोल रही हूँ। मुझे बोल रहे हो, वो इन भैया ने अपने हाथों से बनाई है। एक एक चीज को आप देख सकते हो यहाँ पे, जितने भी टॉप है यहाँ पे, यार सीरियसली अमेजिंग, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से बना के यहाँ पे रखे हुए हैं। ये हाथों से बना है तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि खुद के हाथ में यही रहते हैं। नहीं, गाँव धर्मपुर है, जसपुर ब्लॉक। अच्छा, जसपुर ब्लॉक है। हाँ। यानी कि ये जितनी भी लेडीज हैं वो सब गांव से हैं, और ये क्या करती हैं, जो भी स्लीपर्स की सेल आउट वगैरह है वो सारा काम करती हैं। इट मींस जिसका भी ये ग्रुप है वो टोटली सपोर्ट करता है वुमेन्स को। तो थैंक यू सो मच। ज्यादा है सीरियसली, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे ऐसे मिलेंगे जिसका जो मतलब आपके ना दिल में उतर जाने बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। मींस देखो, मिलेगा मतलब क्या है कि आपको हाफ सेल आउट में प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बट लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की है। मतलब कोई सोचने से पहले ही वो भाग के आ जाएगा वहां से। लाइक यार, एंड ही इज सिंगिंग एंड साउंड इज वेरी गुड यार, सीरियसली। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, क्योंकि ये मेला इतना ज्यादा बड़ा है, मैं हर एक शॉप की डिटेल आपको नहीं दे सकती हूँ। जो जो चीज मुझे लगा कि इसकी प्रोडक्ट होनी चाहिए वो मैंने बता दिया। जो चीजें मुझे सबसे ज्यादा, जो शॉप मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो मैंने आपको बता दी। एंड फर्स्ट थिंग इज हेयर, वो क्या है कि इन्होंने जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट किया है वो किया है उत्तराखंड का जितना भी मेन कल्चर है। चलो, मुझे एक और चीज और मिल गई है जो कि मेरे कुमाऊनी कल्चर को ही रिप्रेजेंट करती है, और वो है दिस कैप। दिस इज वेरी गुड यार, सीरियसली। लेकिन ब्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा है। आई होप कि आपको ये पसंद।